75 साल के बुजुर्ग में युवाओं जैसी फुर्ती, ताइक्वांडो में मनवाया अपना लोहा। नमस्कार, मैं हूँ सबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यूपी के कानपुर के 75 साल के बुजुर्ग ने वो कारनामा कर दिखाया जो 25 साल के युवा नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं कानपुर के रहने वाले रामगोपाल वाजपेयी की, जिन्होंने 75 साल की उम्र में शहर का नाम रोशन किया है। रामगोपाल वाजपेयी ने बताया कि उनका बचपन से ही ताइक्वांडो के प्रति लगाव था। शुरुआत में परिवार की जिम्मेदारी के चलते दूर संचार विभाग में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान भी उनका लगाव ताइक्वांडो के प्रति कम नहीं हुआ। उन्होंने साल 1983 में ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। 2007 में जब वो नौकरी से रिटायर हुए तब उनका असली सफर शुरू हुआ। रिटायरमेंट के बाद जहां आदमी सारी चीज़ों से दूर आराम करने की सोचता है, वहां रामगोपाल वाजपेयी ने एक ऐसा मिशन ठाना और देश का नाम ताइक्वांडो में विश्व स्तर पर ऊँचा करने का सपना लेकर इसकी तैयारी में जुट गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पहले स्टेट लेवल पर गोल्ड जीता और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम बढ़ाया और कई पदक अपने नाम किए। रामगोपाल वाजपेयी ने बताया कि अब वे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उनकी उम्र 75 साल है, इस उम्र में उनका खेल के प्रति लगाव और जुनून देखते ही बनता है। वो प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस करना नहीं भूलते हैं। घर पर ही उन्होंने एक कमरे में अपनी प्रैक्टिस के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है, जहाँ पर वो रोज़ाना सुबह और शाम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। धन्यवाद। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल हापुड़ हलचल।